क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 3 मार्च रविवार हमारे कलीसिया के अनुसार कलीसिया का 3रा रविवार है। इस अवसर में मैं कलीसिया का जो पाठ है पवित्र बाइबल से लिया गया है उसके आधार में मैं शिक्षा और प्रवचन देने जा रहा हूँ। पहला पाठ में हम लोग सुनेंगे निर्गमन ग्रंथ से 20 अध्याय से, जहाँ ईश्वर मूसा को कहते हैं। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इस वचन से ईश्वर मूसा नबी के जरिए इसराइली लोगों को 10 नियम देते हैं। हम लोग 10 नियम का प्रार्थना भी करते हैं और इस 10 नियम जो है इसको हम लोग 2 भाग के हिस्सा में देखते हैं। पहला 3 नियम है ईश्वर के बारे और जबकि 7 नियम है पड़ोसी के बारे। पहला 3 नियम जो है उसमें बहुत साफ ढंग से कहा गया है कि ईश्वर को छोड़कर और दूसरे ईश्वर का सेवा चाहे पूजा नहीं करना चाहिए, उनका नाम भी व्याप्त नहीं लेना चाहिए। और हम लोग 10 नियम का 3रा नियम में कहते हैं प्रभु का दिन पवित्र रखो, और उसी दिन हम ईश्वर को आराधना करते उनकी हम पूजा करते हैं। और दूसरा भाग में हम लोग पाते हैं पड़ोसी के प्यार, अर्थात पड़ोसी को सम्मान करो और दूसरे मनुष्यों को कुछ किसी भी प्रकार से हानि मत पहुंचाओ, इसलिए हत्या मत करो, और ऐसी बातें कही गई है। और पड़ोसी के धन संपत्ति चाहे उनके स्त्री चाहे उनके जमीन जायदाद चाहे उसके धन संपत्ति के ऊपर लोभ न करो, इसे भी कहा गया है। और अपने को ईमानदारी से चलने के लिए सुझाव चाहे नियम दिया गया है, इसलिए झूठी को ही माप दो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस 10 नियम प्रार्थना के जरिए से भी जानते हैं जो इसी वचन के आधार में दिया गया है। इसराइली लोगों को मूसा नबी के जरिए ईश्वर अपनी प्रजा बनने के लिए ये नियम दिए, और नियम को जो पालन करेगा वो आशीर्वाद पाएगा, और नियम को जो पालन नहीं करेगा वो ईश्वर की ओर से अभिशाप पाएगा, चाहे उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस वचन को सुनकर मनन चिंतन करेंगे और अपने जीवन में प्रभु का दिन को भी सही हिसाब से पालन करने के लिए कोशिश करेंगे, और सब दृष्टिकोण से कहेंगे हम लोग क्रिस्तिया विश्वास पे ईश्वर का दिया हुआ प्रजा होते हुए हम लोग पालन करने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे ईश्वर ने उनको कहा हमको छोड़कर और दूसरा ईश्वर की सेवा पूजा नहीं करना, ये हमारे लिए भी लागू होता है अभी का समय में। आज का सुसमाचार हम लोग सुनते हैं जोहान का सुसमाचार से, और ये सुसमाचार जो है हम लोग कहेंगे ये है जेरूशलेम मंदिर को केंद्रित करके, टेंपल ऑफ जेरूशलेम। और इस आधार में चाहे इस वचन में हम लोग सुनते हैं यहूदियों का पूजा अर्चना के लिए मंदिर का नजदीक में उनका कहेंगे विभिन्न प्रकार का कारोबार होता था, पशु बलि चाहे पशु पक्षी का बलि चढ़ाते थे, इसलिए उसका भी खरीद बिक्री होता था, फिर मंदिर का टैक्स देना पड़ता था, कारण कि यहूदी लोग अपना मंदिर में टैक्स लेते थे और वहाँ रोम सरकार का पैसा जो था वो नहीं चलता था, इसलिए वहाँ पर पैसा का भी कारोबार होता था।
उनका पैसा जो है शिकल में उसको बदलना पड़ता था। तो हम लोग देखते हैं यीशु ख्रीस्त जब जेरूशलेम जाते हैं पास्का पर मनाने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि प्रभु का मंदिर चाहे प्रभु का घर कैसे वो बिजनेस का सेंटर बन गया है। चाहे कहेंगे वहाँ उनको देखकर बहुत क्रोध होता है, इसलिए वे मंदिर में बिक्री करने वालों को निकाल देते हैं। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने मंदिर में बैल भेड़ें और कबूतर बेचने वालों की तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफी को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। इसका अर्थ यह है कि जब यीशु ख्रीस्त ये देखे मंदिर का परिसर में जो हो रहा था, उनको वे सह नहीं सके, इसलिए वे कहेंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए अपने हिसाब से कोड़ा बनाए और उनको वहाँ से निकाल दिए। इसका अर्थ हम लोग यही समझेंगे कि यीशु ख्रीस्त चाहता मत बनाओ, अर्थात उनका पिता का घर जो मंदिर है, पूजा का स्थान है, वो है प्रार्थना और कहेंगे बलिदान चढ़ाने का जगह, जो कि पवित्र जगह है, और उसी के नज़दीक में चाहे उसी एरिया में जब वे लोग ऐसे कारोबार कर रहे थे तो उनका मन में गुस्सा हुआ और ऐसे कदम लेते हैं। तो उनको यहूदी लोग पूछते हैं, आप क्या चिन्ह दिखाएंगे हम लोगों को कि आप का अधिकार ये है ऐसा करने के लिए? तो बोलते हैं मंदिर को दिखाकर, इस मंदिर को तुम लोग ढा दो और मैं 3 दिन में इसको बना दूंगा। ये एक भविष्यवाणी था और भविष्यवाणी यही था कि यदि उनका मृत्यु उनके हाथ में भी हो और वे मर भी जाए, फिर भी 3 दिन के बाद में जी उठेंगे। तो ये वचन जो था भविष्यवाणी मंदिर को लेकर वे कहे कि मंदिर, उसके बाद में इसराइली लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने में 46 साल लगा है और आप कैसे इस मंदिर को 3 दिन में बना देंगे? तो यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि ये मेरे पिता का योजना है, चाहे मैं पिता की इच्छा अनुसार कर रहा हूँ और 3 दिन में मैं इस मंदिर को बना दूंगा। अर्थात वो अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में तुलना करते थे। हम लोग जानते हैं बाद में भी शिष्य लोग को मालूम हुआ, सुसमाचार लेखक को भी मालूम हुआ, इसलिए वे लिखते हैं इसको और एक बार वर्णन करते हैं कि जो वचन वे बोले थे वो अपने शरीर के बारे ही बोले थे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन जो भविष्यवाणी किए थे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है कि वे अपने पिता के इच्छा अनुसार धर्मगुरुओं के अधीन में रहकर, चाहे उनके जरिए से वे सताए गए और क्रूस मरण को स्वीकार किए और क्रूस मरण को स्वीकार कर मर गए, लेकिन वे पुनर्जीवित हुए। ये घटना हमारे लिए कहेंगे भविष्यवाणी का घटना है। फिर हम लोग आगे चलकर देखते हैं संत पौलुस का चिट्ठी में भी, संत पौलुस कहते हैं हम जो विश्वासी हैं, जिसमें विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, वे सब आत्मा से परिचालित होते हैं, आत्मा के जरिए से वे क्रिश्चियन जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनका शरीर कहेंगे एक मंदिर है। इस वचन को हम लोग पाते हैं पहला कोरिन्थ 3:16-17 में, हम लोग पाते हैं वहाँ लिखा हुआ है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हम लोग इस वचन को भी आज के सुसमाचार के साथ में जोड़ देंगे, इस प्रेस्ट अपने शरीर को मंदिर के साथ तुलना किए और हम भी जो विश्वासी हैं कहेंगे पवित्र आत्मा का वरदान पाते हुए पवित्र हो जाते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी एक मंदिर जैसा पवित्र जैसा है। तो अभी हम लोग चालीसा का समय में हैं
और ये चालीसा का समय है अपने को पछतावा करते हुए शुद्ध रखना और ईश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ना। आज जो हम लोग वचन सुने हमारे जीवन में बहुत ही कहेंगे महत्वपूर्ण है, कैसे हम लोग 10 नियम को भी जो अभी वो बहुत पहले लिखा गया था लेकिन अभी के समय में भी वो हमारे ख्रिस्टियन जीवन में विश्वास का जीवन में लागू होता है, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी का प्रेम। इसलिए आज जो हम लोग पहला पाठ सुने वो हमारे मनन चिंतन करने के लिए विषय है और हम लोग जो सुसमाचार में विशेष तौर से जो सुने यीशु ख्रिस्त का तुलना किया जाना मंदिर के साथ में, हम लोग भी सोचेंगे विश्वासी लोग बुलाए गए हैं, यीशु ख्रिस्त के भाई बहन हैं, इसलिए हमारा शरीर कहेंगे पवित्र है, तो पवित्रता को रक्षा करने के लिए हम लोग को कदम लेना चाहिए। तो चलिए आज का दिन में और आने वाले दिनों में हम इस चालीसीय के आबादी में पछतावा, प्रार्थना, मन दबाव और मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का इस दिन में ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन।